ये तो यहाँ का हर साल का है, पानी बढ़ता ही है। हाँ। बस देख रहे हैं कितना बढ़ चुका है पानी। हाँ डर लग रहा है तो फिर भी घूम रहे हैं। हाँ एक दो दिन में बहुत पानी बढ़ गया है। पटना की कई सड़कें जो है पानी से डूब गई हैं। अच्छा वो तो हमेशा डूबता है, आज तो आज नया थोड़ी नहीं पटना डूब रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। और अब हम आपको पटना NIT घाट का ये नजारा दिखाना चाहते हैं किस तरीके से। ये देखिए बारिश से ये पानी तो नदी की जो पानी थी ये उधर तक रहती थी, लेकिन अभी देखिए किस तरीके से बारिश की पानी की वजह से NIT घाट काफी ज्यादा भर गया है। लेकिन जल स्तर देखिए काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, पहले वहां तक पानी रहती थी। और इसमें देखिए लोग कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। इसमें हम लोगों से बातें करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एंजॉय कर रहे हैं? हाँ फुल एंजॉय कर रहे हैं, अभी पानी आया है तो पानी काफी ज्यादा हो गया। हाँ भर तो गया है। तो ऐसे में ये पानी पहले उधर तक रहता था, वहाँ लोग बैठते थे? हाँ बैठते थे वहाँ पे। हम आए थे कल आए थे तो यहाँ तक नहीं था पानी इतना, लेकिन आज ज्यादा है थोड़ा। एक दिन में पानी काफी ज्यादा भर गया? हाँ भर तो गया है। तो अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं आप? हाँ पानी बढ़ा है तो अच्छा ही लगेगा। हाँ। और सब मजे कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे, पानी काफी ज्यादा बढ़ गया? जी बिल्कुल बढ़ चुका है। पहले कल तक यहाँ तक इतनी पानी नहीं थी? नहीं था ऐसा तो हम फिलहाल अभी बता नहीं सकते क्योंकि हम कल यहाँ पे थे नहीं। जैसा कि हमको देखे चैनल माध्यम से उसके बाद हमको पता चला है तो हम आज देख रहे हैं। और क्या अच्छा लग रहा है इतनी पानी में खड़े होकर? अच्छा क्या, बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें अच्छा लगने का क्या बात है? अच्छा लेकिन पटना की कई सड़कें जो है पानी से डूब गई हैं। अच्छा वो तो हमेशा डूबता है, आज तो आज नया थोड़ी नहीं पटना डूब रहा है, हमेशा डूबता है। हाँ तो और क्या, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं। ऐसे में नहीं लगता डर वगैरह की कई जगह गड्ढे वगैरह होते हैं, गलती से कोई उसमें चला जाए क्योंकि पानी में पता नहीं चल रहा है? हाँ डर तो है ही है, जो यहाँ का लोकल होगा उसको डर की बात नहीं है, मगर जो बाहर से आएंगे वो डूब भी सकते हैं। बाढ़ को लेकर कोई डर वगैरह? इतनी ज्यादा जलजमा हो गए कई जगह पर, जल स्तर काफी ज्यादा, ये सब होता रहता है मैम, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम NIT घाट का नजारा दिखा रहे हैं, जल स्तर आप देखिए एक बार किस तरीके से कितना ज्यादा जल स्तर बढ़ गया है। जो लोग हैं कहीं ना कहीं अपने आप को रोक रहे हैं उस तरफ जाने से, लेकिन पानी उनके रास्ते पर आ गई है। ये चलने वाला भी रास्ता है, इधर हम दिखाते हैं कि लोग पानी में चलकर आ रहे हैं, रास्ते पर भी पानी आ गई है। मात्र 1 घंटे की बारिश जो कि कल रात को हुई थी पटना के सड़कों पर, उसके बाद का ये नजारा है। 1 घंटे की बारिश ने पटना के सड़कों को हर तरीके से डुबा दिया है। बारिश की वजह से तो सड़कें कहीं ना कहीं ये एरिया भी पानी से भर चुका है। हाँ पूरा भर चुका है। दिक्कतें हो रही हैं? हाँ हाँ दिक्कत तो कुछ है। क्या कहेंगे? ये तो यहाँ का हर साल का है, पानी बढ़ता ही है। हाँ। बस देख रहे हैं कितना बढ़ चुका है पानी। अभी आने में कोई दिक्कतें आई सड़कों पर? नहीं सड़क पे पानी नहीं आता है, पानी जितना आएगा मतलब इस पाथवे पे ही आता है। अभी रोड पे हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो देखा कई सड़कें डूबी हुई थी। आगे कई जगह पानी आता है लेकिन इस एरिया में बेसिकली सड़कों पर पानी जनरली नहीं आता है। हाँ। लेकिन ये जो अभी पाथवे है ये चलने वाला तो यहाँ पर भी पानी आ चुका है। ये सीजनल है, हर सीजन में एक बार होना ही होना है। होना है, इससे दिक्कतें आती होंगी। हाँ दिक्कत तो आती ही है। ठीक है, फैमिली के साथ एंजॉय करने आए? जी हाँ जी हाँ। बस कैसा लग रहा है? ठीक है बहुत अच्छा है। ये पानी पैर पे आ रहा है, एंजॉय के लिए यहाँ है, कोई दिक्कत से नहीं है, दिक्कतें नहीं है। क्या बाबा हर साल ऐसे ही हो जाता है यहाँ पे जलजमा? हाँ यहाँ पे थोड़ा सा होता है जलजमा होता है। हाँ। ये बताइए अभी यहाँ पर ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, बारिश तो अभी मानसून तो पूरा आया ही नहीं है, लेकिन उससे पहले ही पटना की कई सड़कें पानी से डबाडब हो गई है। ये तो पथवे बना है जब से पानी आ रहा है, नहीं तो पहले भी आज से 25 साल पहले भी पानी आता था। तो ऐसा बाढ़ का डर नहीं लग रहा? बच्चे लोग ऐसे खुले में ही खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। अब उनका गार्जियन लोग को चाहिए ना कि भाई कि अपना कंट्रोल करना, कि अब घाट किनारे कौन कंट्रोल करे। देखिए लगातार हम आपको NIT घाट का नजारा दिखा रहे थे, यही पाथवे है जहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे, सड़कों पर आते थे, घूमने के लिए आते थे। और अभी देखिए जलजमाव काफी ज्यादा हो गया, बच्चे अब इसको स्विमिंग पूल की तरह यूज कर रहे हैं, नहा रहे पूरा। हाँ ये एकदम स्विमिंग पूल बना दिए। हाँ यस। डर नहीं लग रहा है इतना जलजमाव हो गया? नहीं, गंगा का स्तर इतना बढ़ गया है। हाँ इधर जो जल स्तर है इतना ज्यादा बढ़ गया, काफी ज्यादा बढ़ गया, और कहीं ना कहीं डर तो बना होगा लोगों के मन में क्योंकि स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है। और ये पाथवे देखिए, हम पूरा आपको ये नजारा दिखाना चाहेंगे कि लोग खौफ की वजह से इधर अब आ नहीं रहे हैं। यहाँ पर अभी कैसा लग रहा है, इतना पानी बढ़ गया? बहुत बढ़ गया है पानी। तो ऐसा डर वर नहीं लग रहा है कि बाढ़ वगैरह आ जाए? दोनों साइड एकदम बराबर हो गया? हाँ दोनों साइड बराबर हो गया।
अभी घूमने का भी आया करते थे, अभी डर नहीं लग रहा? हाँ डर लग रहा है। तो फिर भी घूम रहे? हाँ, एक दो दिन में बहुत पानी बढ़ गया है। पहले इतना नहीं था? नहीं। कब से बढ़ा इतना? कल शाम तो आए थे नहीं था, लेकिन आज देखिए बहुत बढ़ गया। कल शाम तक नहीं था, अचानक एक दिन में बढ़ गया। कल शाम में थोड़ा सा भी नहीं था? था, उधर था, लेकिन इस पर नहीं था। देखिए मंदिर स्थल का जो कैंपस है, मंदिर स्थल है, वो भी कहीं ना कहीं पूरे तरीके से डूबा पड़ा है। देखिए इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो डूबा पड़ा है, और इधर हम आपको दिखाना चाहते हैं किस तरीके से वाकई मंदिर हर तरफ से जो भी घिरा हुआ था, शिव जी का मंदिर है ये, और ये हर तरफ से डूबा पड़ा है। और ये तो NIT घाट का नज़ारा है। जल स्तर देखिए कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लहरें जो चल रही हैं उधर कितनी तेज़ी से बह रही हैं लहरें, लोग लगातार इसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये डरने की भी बात है। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जिस तरीके से पानी बहते हुए आ रही है, एक जगह पर जहां उसे रास्ता मिला वहां पर जलकुंभी जो है आकर रुक गई है, और देखिए किस तरीके से इकट्ठा हो गई है। तो हमने आपको पूरा नजारा दिखाया कि आखिरकार NIT पटना में किस तरीके से पानी का स्तर जो है वो वाकई बढ़ गया है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवाणी। धन्यवाद।